बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ टोटिया रैप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। टोटिया रैप्स बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं, चिकन की फिलिंग हो या फिर वेजिटेबल की, शवरमा के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी और भी रेसिपीज़ हैं जिनमें इनका इस्तेमाल होता है। इनको घर में बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि लिक्विड डो के साथ इनको कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन रिजल्ट में ये 100% मार्केट जैसे होंगे। तो चलिए ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल टोटिया रैप्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। टोटिया रैप्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया। 2 कप हमें प्लेन फ्लावर चाहिए, यानी कि मैदा, वही वाला मैदा जिसके साथ हम समोसे वगैरह बनाते हैं। मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप कोई ग्लास या कोई कटोरी के साथ भी इसको मेजर कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले लेना है। हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसे जिस कप के साथ हमने मेजर किया है मैदे को, उसी कप के साथ हमने 2 कप पानी हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी लेना है, सारा एक ही दफ़ा नहीं डालना, फिर लम्स वगैरह पड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले 1 कप लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे। अब हमने 2 कप ले लिया, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने इसको भी ऐड कर लेना। मैं हैंड विस्क के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडिंग जो जग होता है ना, उसके अंदर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाता है। स्मूथ सा एक बैटर तैयार करना है हमने, लम्स फ्री होना चाहिए, ज़रा भी उसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से हमने इसको मिक्स करते जाना है। अब हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑयल। टोटिया रैप्स का फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, बिल्कुल बाजार जैसा इसको लुक देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए, यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। ये हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून। देखें, इसको डालने से ना रैप्स का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मिल्की मिल्की से ये बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे हमने बाज़ार से ख़रीदे हैं। खाने वाला और देखने वाला फिर कह नहीं सकता कि इनको हमने घर में तैयार किया है। टोटिया रैप्स को मज़ीद हमने सॉफ्ट बनाना है तो फिर हमें यूज़ करना होगा 1 टीस्पून लेमन जूस। आप चाहें तो आप फ्रेश लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमें चाहिए 1 टीस्पून। चलें, अब हमारा मिक्सचर इस तरह का रेडी हो गया। इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम रेस्ट के लिए अब रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। रेस्ट देना इसको बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि फिर ये मज़ीद जो है ना पानी को अब्ज़ॉर्ब करेगा और ये नरम व मुलायम बनेगा। अब बैटर को रेस्ट आते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। फिर से हमने अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना। बहुत ही अच्छा, देखें बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया। ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके रैप्स बनाएंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ ताकि आपको ज़रा भी बनाने में कोई भी मुश्किल ना आए। बस इस तरह की हमने रखनी है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। अगर ज़्यादा थिक हो गया तो फिर रोटी जो है ना, इसकी जो हम रैप्स बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी हैवी से बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, ये नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर हमने फ्लेम को रखना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई पैन नहीं है तो आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। इस तरह फ्राइंग पैन का ये भी फ़ायदा है कि ये साइडों से ऐसे गोल होता है ना, जब हम रैप्स को फैलाते हैं तो वो इस तरह किनारों के साथ जाकर गोल हो जाता है, वो अपनी एक शेप ले लेता है। अगर आप चाहें तो आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। पैन अब गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर नहीं इनको पकाना और ना ही बहुत ज़्यादा हमने फ्लेम को लो रखना है। इस तरह हमने एक भर के स्पून ले लेना है लिक्विड का और इस तरह हमने पोर कर लेना है। पोर करते हुए फिर हमने इस तरह इसको राउंड शेप दे लेनी है। साइज़ आपने अपने हिसाब से रख लेना है।
जितना का बड़ा आपको रैप्स चाहिए उतना का बड़ा बस आपने रख लेना है। ईजीली ये देखें हम बना सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह हमने इसको पकने देना है। देखें ऊपर से बिल्कुल ये ड्राई हो रहा है, मिनट के अंदर ही तकरीबन ये ऊपर से सारा ड्राई हो जाता है। तो फिर हमने इसको पलटना है, उससे पहले नहीं हमने इसकी साइड को फ्लिप करना। अब यहाँ पर देखें आप हल्का सा अपनी उंगली के साथ भी देखेंगे ना तो ये देखें अब स्लिप होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि इसकी जो अंदर वाली साइड है ना, नीचे वाली साइड है, वो अब वो रेडी है फ्लिप करने के लिए। बस अब हमने इसको जेंटली पकड़कर फ्लिप करना है। इस साइड से भी इसको पकने देना है। अब हम इसको फिर से ऐसे फ्लिप कर लेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह देखें कितना अच्छा ये कलर भी इसका आ रहा है। माशाल्लाह ये घर में बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, फिर हमें बाज़ार से लाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम घर में इनका फाइनल रिज़ल्ट देखकर खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर दीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे तरीक़ों से हम रैप्स को बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना होता। बस ये है कि जब हम ये हाफ डन ही तकरीबन हुए हमें बाज़ार से भी मिलते हैं, यहाँ इसी तरह के वो होते हैं। जब हम फिर इनको रेडी करते हैं ना, जब हम इनके रैप्स बनाते हैं या फिर रोल्स बनाते हैं, तब भी हम इनको घी लगाकर या ऑयल लगाकर, तब भी बाद में भी हम इनको जो है ना वो फ्राई करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो इसलिए हमने इनको हाफ डन से ज़रा सा ज़्यादा हमने बस रेडी रखना होता है। इस तरह फिर से हमने अपना एक स्पून भर के ले लेना लिक्विड का, इस तरह फिर हमने डाल लेना। सारा डालते सारी फिर हमने ऐसे स्प्रेड कर लेना, फैला लेना है हमने। मिनटों में सेकंडों में हम इतने सारे टोटिया रैप्स घर में बना सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आपके सामने मैं बना रही हूँ गरम गरम उतार कर रखने के लिए। इस तरह हमने कोई रुमाल ले लेना है रोटियों वाला, कोई कपड़ा ले लेना है, उसको जैसे फोल्ड कर लेना है, डबल कर लेना है, इस तरह उसके अंदर रख कर दूसरा कवर उसके ऊपर दे देना है ताकि ये सॉफ्ट रहें। यहाँ पर देखें इसको भी हमने फ्लिप कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, ये देखें फूल सा भी रहा है। देखें कितना अच्छा ये बन रहा है, हल्का हल्का सा साइडों से देखें फूल भी रहा है। बहुत ज़्यादा हमने लिक्विड नहीं डालना, फिर ये थिक बन जाते हैं। इसको फिर से हमने ऐसे टर्न कर लेना है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये बना है। अब ये वाला भी हमारा टोटिया रैप बहुत ही प्यारा सा गुड रिज़ल्ट के साथ देखें बन के तैयार हो गया। उसी तरह हमने कवर कर लेना है, बस इनको ढक कर रखना है। इस तरह हमने फिर से लिक्विड ले लेना है, भर के हमने एक स्पून लेना है, सारा ही हमने इस तरह डाल लेना है, फिर एकदम से हमने इसको स्प्रेड कर लेना है। बस इस तरह का ही हमने रखना है, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। अब मैं आपको इस तरह, अब हमने थोड़े से फैला लिए हैं ताकि इनको हल्की सी हवा लग जाए और ये ठंडे हो जाएं। फिर हमने क्या करना है, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो मैं आपको इनको फ्रिज में रखने के लिए बताती हूँ कि किस तरीके से हमने फ्रिज में इनको रखना है। इस तरह हमने एक प्लेट ले ली है, नैपकिन टिश्यू पेपर इस तरह हमने नीचे बिछा लेना है। इस तरह फिर हमने एक एक करके एक रखना है, तो फिर हमने दूसरा टिश्यू ऊपर रख लेना है, दूसरा नैपकिन ऊपर रख लेना है, फिर हम इस तरह ही दूसरा रख लेंगे। इसी तरह ही हमने सारे अपने जो है ना रैप्स इसी तरह हमने रखने हैं। तकरीबन आप इनको एक हफ्ते से 10 दिन तक के लिए भी आप इनको फ्रिज में रख कर इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर एक चाहें दो चाहें तीन चाहें आपने इसी तरह निकालना है। तरह हमने कोई बैग ले लेना है, कोई शापर ले लेना है, कोई जिप लॉक बैग ले लेना है। फिर इसी तरह हमने क्या करना है, सारे अपने जो टोटिया रैप्स हैं ना इस तरह हमने
शापर के अंदर इस तरह डाल लेने हैं इस तरह करके, और हमने इनको बस इस तरह फ्रिज के अंदर रख लेना है। सॉफ्टनेस आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये नरम और कितने ये डेलिकेट से बने हैं। इस तरह मैं आपको इसको तोड़कर दिखा देती हूँ, ये कितनी आसानी से टूट रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़रा भी सख्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।